हेलो एवरीवन, फियोना बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चनिया चोली बताऊंगी, क्योंकि अब नवरात्रों का सीज़न आने वाला है। तो आज मेरा पहला चनिया चोली है, 2 साल की बच्ची का चनिया चोली बताऊंगी और एक तरीका बताऊंगी जिससे कि चनिया चोली गिरे नहीं, क्योंकि चनिया में थोड़ा वर्क होता है इसलिए वो थोड़ा बच्चा संभालना मुश्किल हो जाता है। उसको अगर नाला टाइट बांधते हैं तो रैशेज पड़ जाते हैं और लूज छोड़ते हैं तो वो गिरता है। इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। पहले मैं आपको नाप बता देती हूँ। मैं 2 साल की बच्ची का नाप मैंने लिया है। चनिए की लंबाई 18 इंच है, कमर 18 इंच है, घेर 46 इंच है टोटल। चोली की लंबाई 12 इंच, छाती की जो नाप है वो 18 इंच, कमर का माप 18 इंच, शोल्डर 8 इंच, बाहें लंबाई 2.5 इंच और मोरी उसकी 6 इंच। अब मैं आपको इसका नाप निकाल के बताती हूँ। चनिया की लंबाई उतनी ही लेते हैं जितनी होती है, क्योंकि जो सिलाई में जाता है उतना ही हमारा बेल्ट लग जाता है, इसलिए हमारी लंबाई जितनी हमारी लंबाई होती है उतनी की उतनी हम ले लेते हैं। कमर का चौथा भाग लेते हैं प्लस 2 इंच लूज। कमर मतलब ये नेफा जो हम लेते हैं, ऊपर जो नेफा लगाते हैं उसका माप होता है ये, और 1 इंच जो नेफे को हम मोड़ते हैं साइड से मोड़ने के लिए। तो कमर हमारी 18 इंच है, 4 + 2 + 1 4.5 + 2 = 6 + 1 तो कमर कितनी होगी हमारी 7.5 इंच की। अब चोली का निकालते हैं। चोली की लंबाई बराबर लंबाई प्लस 1 इंच सिलाई का, 12 + 1 = 13 इंच की। 13 इंच की लंबाई लेकर डबल कर देते हैं। अब छाती, छाती का चौथा भाग 2 इंच लूज। साढ़े 4 + 2 इंच 6.5 इंच, छाती का माप हो गया 6.5 इंच। कमर का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच लूज। लूज बोलेंगे या मार्जिन बोलेंगे। मार्जिन 4.5 + 1.5 इंच 6 इंच कमर आएगी हमारी 6 इंच। और जो नीचे का जो कुर्ती का घेर जो होता है, घेर है छाती के बराबर, कट जो साइड कट होता है 2.5 इंच का लेंगे। जो नीचे आके साइड का कट होता है वो हम 2.5 इंच लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ बाहें का मैं आपको बता देती हूँ। बाहें लंबाई प्लस 1 इंच मोड़ने के लिए, मोड़ने के लिए 2.5 + 1 इंच तो 3.5 इंच लंबाई लेके हम डबल करेंगे। मोरी मोरी का आधा प्लस 1 इंच, 6 का आधा + 1 3 + 1 = 4 इंच, ये 4 इंच होगा, ये 3.5 इंच लंबाई 4 इंच। हम मार्जिन बाएं में इसलिए ज़्यादा, पूरी कुर्ती में मार्जिन इसलिए ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसको ज़्यादा मार्जिन
लेने से कंफर्टेबल नहीं रहता है वो, इसलिए हम इसको कम मार्जिन ही लेना चाहिए। ये चोली का कपड़ा है, इसमें चार तह हैं, एक ये देखो, एक दो तीन चार, आगे का भाग बंद है, पीछे का खुला है, ये चार तह हैं। मैं जो भी मैं निशान लगाऊंगी वो मैं वीडियो में साइड में लिखती भी जाऊंगी। अब देखिए शोल्डर हमारा 4 इंच का है, तो उसका आधा लेंगे, 8 इंच है तो आधा लेंगे। आर्म होल छाती का चौथा भाग है और आधा इंच हम इसका मार्जिन कर लेंगे, ऊपर सिलाई जाएगी। छाती हमारी 6.5, कमर की जो निचाई होती है 8 इंच की है, यहाँ एक निशान, यहाँ ऐसे निशान लगा लेंगे तो इससे क्या होगा आपको सुविधा रहेगी। ये कमर का निशान है और यहाँ से 2.5 इंच पर हम सीट का निशान लगाएंगे, जहाँ से हम कट खोलेंगे। ये देखिए ये हमारा छाती का निशान है, ये कमर का निशान है, ये सीट का निशान है। छाती के हिसाब से तो हमने ये मोड़ा है। अभी हमारा कमर है 6 इंच की और जो सीट होती है छोटे बच्चे की छाती के बराबर ही होती है, छाती को कमर से मिला देंगे और कमर को सीट से मिला देंगे, ये हो गया। अब यहाँ हम लेंगे 1/4 इंच की कटिंग करेंगे, यहाँ 1/4 इंच पे हम निशान लगा देंगे और इसको गोलाई कर देंगे। अब हम लेंगे गले की चौड़ाई 2 इंच, गहराई 3 इंच। गला जैसा आप चाहें वैसा आप रख सकते हैं, मैं इसमें गोल बना रही हूँ क्योंकि आज पहला चनिया चोली है तो गोल अच्छा लगेगा। उसके बाद जितने चनिया चोली बताऊंगी सब में अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग पैटर्न बताऊंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए एक ऐसा में निशान लगा देंगे, ऐसे कर देंगे और यहाँ हम इसको तो कटिंग करेंगे, अगर हमें अलग से कटिंग करनी है तो हम ऐसे निशान बना सकते हैं। अब ये यहाँ से लेंगे गले का निशान। अब हम इसमें गला कैसा बनाएंगे, ये देखिए छोटे बच्चों को हमें डोरी डालनी है ना, ये पहले 2 इंच का एक ब्लॉक बनाएंगे, 2 इंच का ब्लॉक बना लिया, इसको हमने ऐसे कटिंग कर दिया। इसके बाद यहाँ से 1 इंच लेने के बाद फिर हम इसको 2 इंच का ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ से लेंगे 4 इंच, फिर 2 इंच, 2 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा हम ब्लॉक बनाएंगे। ये देखिए अब इसको हम आप किसी भी शेप में दे सकते हो, इसको हम अगर ड्रॉप शेप में देते हैं तो ये ऐसा आएगा, हमने ये ड्रॉप शेप दे दी। हम इसमें किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। सबसे आसान, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो सबसे आसान है, तो क्योंकि इतना यहाँ सिलाई में चला जाएगा, इतना हमारा यहाँ सिलाई में चला जाएगा और इसके बीच में फिर हमारे एक डोरी आ जाएगी और यहाँ बटन्स आ जाएंगे, समझ में आ गया। तो अब हम सबसे पहले कर लेते हैं कटिंग। सबसे पहली कटिंग करेंगे हम साइड की, ये देखिए मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ। थोड़ा सा हटके इसको करेंगे क्योंकि चौक पे सिलाई नहीं चलानी चाहिए कैंची, जिससे कि कैंची खराब हो जाती है। ये देखिए मैं आप लोगों को एक दिन
ग्राफ और कटिंग बताऊंगी और एक दिन सिलाई बताऊंगी। सारा एक दिन बताते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है और समझ में नहीं आता है। ये हो गया। या हम सबसे पहले ऐसे गुटका कट का निशान लगा देंगे, वी शेप का। ये कैसे कट बना देंगे, यहाँ ये कमर का कट हो गया है, ये सीट का कट हो गया है और यहाँ ये एक इंच के मार्जिन पे ये हम ये हो गया। तो ये हमारी कटिंग होगी और जो हमारी सिलाई आएगी वो ऐसे आएगी और ये हमारा मुड़ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा यहाँ से ऐसे ही मुड़ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ मैं आपको गला बताती हूँ। ये हमारे आगे के गले की कटिंग हो गई। ये आगे गले की कटिंग हो गई। छोटे बच्चों में क्रॉस कटिंग करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि छोटे बच्चों में क्रॉस कटिंग शोल्डर की नहीं होती है। ये हमारा आगे का भाग हो गया है। अब ये पीछे के भाग की कटिंग करेंगे। ये पीछे के भाग के, अब ये देखिए हमारा पीछे का भाग आ गया ऐसे। ये आ गया पीछे का भाग। यहाँ डोरी आ जाएगी क्योंकि इतनी तो इसमें सिलाई जाएगी, हम गला बनाएंगे और इतनी ये नीचे बनाएंगे इसमें सिलाई जाएगी। यहाँ बीच में डोरी आ जाएगी और ये हो जाएगा और यहाँ हुक आई आ जाएंगे। ये पीछे का हो गया और ये आगे का हो गया। ये अस्तर कटिंग की है। कमर का माप लेंगे। कमर का चौथा भाग 4.5 प्लस हम 1.5 इंच लूजनेस का लेंगे, 1 इंच सिलाई का लेंगे, तो 7.5 इंच। 7.5 इंच लेकर और इसको हम यहाँ क्रॉस में मिला देंगे। क्रॉस में मिला देंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच लेकर यहाँ क्रॉस में मिला देंगे। ये नीचे का घेर, ऊपर का घेर अस्तर के बराबर कमर इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि बच्चे का फिर कमर के पास बहुत मोटा मोटा हो जाता है, इसलिए हम ऊपर कमर का माप ऊपर के कपड़े के बराबर, जो भी हम ऊपर सिल्क का कपड़ा लगाएंगे कुछ लगाएंगे उसके हिसाब से नहीं लेंगे। ये हमारा चने का हो गया है। इसको ऊपर से हम खोल देंगे। ये चने हो गया, ये देखिए, तो पलट के उल्टी साइड हो जाएगी। इसको थोड़ा एक्स्ट्रा करके काट लेने का, बाद में इसे प्रेस कर देने की। मैंने पहले प्रेस की थी, कैसे फ्रेम लगा लें जिससे आप पलट सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे, अगर आपको ये पलटना नहीं है तो सीधा रखना है, अगर पलटना है तो उल्टा रखना। Thank you.
और जो ये घेर है हमने सिर्फ अस्तर इस वी शेप में काटा है, लेकिन ऊपर का कपड़ा हम वी शेप में नहीं लेंगे। उसको जितना हमारा ये है उतना ही नीचे का घेर है उतना ही लेंगे। दो इंच ज्यादा लेंगे। ऊपर का हमारा कपड़ा है उसको हम वी शेप में नहीं प्लेट डालना चाहे प्लेट डाल सकते हैं। सिल्क का कपड़ा थोड़ा सरक जाता है कमर पर भी लैस आ जाएगी, कमर पर भी लैस आ जाएगी और बाहें सिर्फ लैस ही बन। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाकर ऑल पे दबाना ना भूलें। धन्यवाद।